स्वयं वंदे श्री गुरुं श्रीमंगलं श्रीगुरुं वशुपांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सावनं करिचनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणगणनाथं हे कृष्णकर्मसिन्धुपीठ रूपेशगोपिकाकण्ठराधा सप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते दीवैप्रणमी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासवि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी शून्य ओके हरे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है। भगवद्गीता हम अच्छा कर रहे हैं। अभी हम जो डिटेल्ड सेशन जो चल रहे हैं वो दूसरा अध्याय की 46 श्लोका पे है ना, 46 श्लोका से हम आज चर्चा करना शुरू करेंगे। एंड जो अभी नया भगवद्गीता कोर्स से जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए यही सूचना है कि जैसा हर 2.5 महीने में वैसा हम लोग गीता कोर्स करते हैं, फिर उसके उपरांत सभी लोग इस सेशन में ज्वाइन करते हैं जो कि ये रेगुलरली चलता है सेशन, जिसमें हम भगवद्गीता की श्लोका हर दिन 5-6 श्लोका हम चर्चा करते हैं। तो वैसा करते करते पहले 2 महीने पहले हमने शुरुआत किया, अभी करते करते दूसरा अध्याय की 46 श्लोका पे हम अभी पहुंच गए हैं, वहीं से हम करना शुरुआत करेंगे। वैसा आपको बीच में ज्वाइन कर करके तो नहीं लगेगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी हमने समरी तो बता दिया, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर की समरी भी पता है, सेकंड चैप्टर की समरी भी पता है, तो इसलिए आप इन बिटवीन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। Rather, you have an idea of what has happened in the past. संक्षेप में मैं बता भी देता हूँ। श्री गोविंदा
आप सभी डिवोटी से निवेदन है कि कृपया सत्र में बने रहें। सीम्स लाइक प्रभु जी कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हो रहे हैं, प्लीज सेशन में बने रहें। कुछ देर में मीटिंग रिज्यूम होगी, प्रभु जी आज का सेशन रिज्यूम करेंगे। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हरे कृष्णा, आवाज आ रही सभी को ना? जी प्रभु जी, वी कैन हियर। आज वीडियो ऑन नहीं होगा, ऑडियो चलेगा आकाशवाणी। जैसे ध्रुव महाराज को पहले वीडियो दिखाए थे भगवान, 1 मिनट के लिए कौन ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को, फिर उसके बाद तुरंत भगवान ने अपना वीडियो बंद कर दिया, फिर ऑडियो ऑन किए थे, फिर केवल आकाशवाणी बोल रही थी। तो वैसे ही हो गई अभी एक्चुअली यहाँ पे पावर्स, तो उसकी वजह से एंड आपको भी ट्रेनिंग मिलेगा। जिस प्रकार से मैं लोगों को देखे बिना ब्लैक स्क्रीन देखकर मुझे बोलना पड़ता है, अभी आपको सुनना पड़ेगा उस प्रकार से। तो मेरी वाली समस्या आपकी होगी आज। तो एक प्रकार से मैं रिकैप करता हूं क्या क्या हुआ है। अभी पावर आ गया। भगवान आपकी प्रार्थना सुनी। वैसा कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में कौरव और पांडव दोनों एकत्रित हुए थे एंड धृतराष्ट्र युद्ध में तो भाग नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो अंधे थे, तो उसकी वजह से वो हस्तिनापुर में ही रुक गए थे। फिर उनके साथ संजय था। तब तब इन्होंने कहा, धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र को जानने की इच्छा हो रही थी कि युद्ध भूमि में क्या चल रहे हैं, क्या हो रही है, तो उसे समझने की इच्छा था। तो इसलिए फिर वो संजय से उन्होंने पूछा कि संजय आप बताओ कि युद्ध भूमि में क्या चल रहे। संजय के पास कुछ ऐसा विद्या था जिसकी वजह से वो युद्ध भूमि में, वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र धाम में क्या चल रहे वो देख पा रहे थे, सुन भी पा रहे थे। उस प्रकार की विद्या था जैसा आज हम आप मुझे सुन पा रहे हो और देख पा रहे हैं। मैं कहीं और बैठा हूँ बट फिर भी कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे देख पा रहे, तो वैसे ही संजय के पास भी कुछ वैसा टेक्नोलॉजी था जिसकी वजह से वो सुन भी पा रहे थे देख भी पा रहे थे। एंड फिर धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों एकत्रित हुए थे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं। फिर संजय उसका समाधान देते हुए, फिर संजय ने कहा देखिए क्या क्या वहां पर घटनाएं घटने लगी, तो वो सारे संदर्भ विवरण देने लगा। सबसे पहले दुर्योधन के विषय में कहने लगा, दुर्योधन किस प्रकार से वो दोनों सेनाओं के एनालिसिस वो कर रहे थे, तो उसके विषय में बताया। फिर उसके उपरांत भीष्म देव इत्यादि लोगों ने अपना शंख बजाया। फिर उसके उपरांत पांडवों के पक्ष के लोगों ने शंख बजाया। फिर उसके उपरांत क्या हुआ कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि देखिए मतलब मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए ताकि मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं एंड फिर मैं किन के साथ लड़ने जा रहा हूँ ये देख सकूं। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की आज्ञा के अनुसार फिर वो अपना रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। फिर अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करने लगे, देखने लगे। फिर अर्जुन जब सभी विपक्ष की सेना को देखने लगे, सभी को अपना रिश्तेदारों के रूप में देखने लगे, क्योंकि सभी लोगों को अपना रिश्तेदारों के रूप में देखने देखने के कारण उनके हृदय
थोड़ा सा पिघलने लगा, उनके हृदय में दया आई। फिर उन्होंने कहा कृष्ण से, मैं अर्जुन में युद्ध नहीं कर सकूंगा। एंड युद्ध नहीं करने का 5 कारण अर्जुन ने बताया, ये तो दया बताया, दया की मतलब अपने रिश्तेदारों के प्रति दया की वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा, मैं इस प्रकार के लोगों को मारने पे मुझे पाप लगेगा एंड इस प्रकार के पाप की वजह से मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। एंड तीसरा, अगर इन जितने जिन लोगों के साथ मुझे आनंद लेना था, अगर वही लोग जब युद्ध में मर जाएंगे देन फिर मैं किन के साथ आनंद ले पाऊंगा, तो इसलिए उस प्रकार से इन सभी लोगों को मैं नहीं मानना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे राज प्राप्त करके भी आनंद नहीं मिलने वाली है। तो इस प्रकार से तीसरा कारण बताया एंड चौथा कारण बताया। देखिए मतलब अगर सभी लोग इसमें सारा धर्म के परिरक्षण करने वाले ही सभी लोग मर जाएंगे, बुजुर्ग लोग भी मर जाएंगे, देन धर्म को निर्देशन या धर्म की दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होंगे, उसकी वजह से सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और गलत प्रकार की संतान प्रकट पैदा होगी, देन उस प्रकार की संतान की वजह से सभी सारा कंफ्यूजन फैल जाएगी इस पूरा जगत में, तो इसलिए उसका सारा कंफ्यूजन की वर्ण संकर के कारण मैं बनूंगा, इसलिए मैं इस प्रकार के युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता हूँ। एंड फिर दूसरा अध्याय शुरू होता है। फिर दूसरा अध्याय में अर्जुन अपना पांचवा कारण बताते। पहले तो कृष्ण अर्जुन की इस अवस्था को देखते हैं, अर्जुन क्योंकि अर्जुन उस समय लिटरली वो रोने लगे, उनके शरीर कांप रहा था, उनकी पसीना छूट रहा था। उस अवस्था में अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण डाटा कि इस प्रकार से कमजोर कब से पड़ गया अर्जुन, इस प्रकार की कलमश तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई। देन फिर अर्जुन कहने लगे, देखिए भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जिन लोगों की मुझे पूजा करना होता है उन्हीं लोगों का आप मुझे मारने के लिए कह रहे हैं, तो ये मैं मार नहीं पा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे लिए क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है, क्या उचित है क्या उचित नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस प्रकार से मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, इसलिए मुझे निर्देशन दीजिए कि मुझे क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं आप अपने आपको आपके शिष्य के रूप में आपको समर्पित कर रहा हूँ। देन इस प्रकार से कहने पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हल्का सा हंसते हुए डांटते हुए अर्जुन को आत्मज्ञान के विषय में समझाते हैं। अर्जुन को कहते मतलब आत्मज्ञान के विषय में समझाकर अर्जुन की जो पहला आर्गुमेंट था कंपैशन दया, इसको खंडन करते हैं। फिर उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण सकाम कर्म के विषय में बताकर अर्जुन के सेकंड आर्गुमेंट को खंडन किया। एंड फिर उसके उपरांत अभी जो चर्चा हो रही है निष्काम कर्म योग के विषय में भगवान बताकर अर्जुन की जो तीसरा आर्गुमेंट था, मुझे सभी लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, पाप की वजह से मुझे नरक जाना पड़ेगा, ये जो कारण अर्जुन ने दिया, तो उसके समाधान यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म के माध्यम से दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहना है अगर कर्म करने पे तुम्हें ना तो पाप लगेगा ना तो पुण्य लगेगा, बिकॉज आप अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप निष्काम भावना के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें कोई पाप नहीं लगने वाली है, तो इसलिए इस बात को लेकर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन जो है वो कहने लगे, कृष्णा अर्जुन से कहने लगे। देन उसी दौरान ही हम ये चर्चा कर रहे हैं, अभी 46 श्लोका पे हम पहुंच गए। तो आप सभी को अभी आ गया, वापस रिफ्रेश हो गया क्या क्या हुआ है, इसलिए भगवत गीता 5 मिनट में भी बताया जा सकता है, घंटों घंटों में बताया जा सकता है, कई सालों तक भी बताया जा सकता है। अभी 5 मिनट में हम पहला अध्याय दूसरा अध्याय समाप्त कर दिया। अभी 2.46 श्लोक का अभी यहाँ पर हम श्लोक का विश्लोक का जाएंगे। यावन्नत्ता उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याविजानतः। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। प्रभु जी तात्पर्य रीड करो। तात्पर्य, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख भी भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था ही श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत श्व पाश्यतो गरीयान यज्जिहाग्रवे वर्तते नाम तुभ्यम, तोपुस्तपस्ते जुहुवः शस्त्रुराया ब्रह्मानुचरणाम ग्रणन्ति ये ते। हे प्रभो, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा। मैं क्या बता रहा था, आप भी नहीं बता पाओगे।
मैं बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की तात्पर्यों को सुनना, पढ़ना, अध्ययन करना ये बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज इन्हीं तात्पर्यों के माध्यम से हम भगवद्गीता का मर्म को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवद्गीता का मर्म केवल भक्तों को ही पता होता है, एंड भक्त ही हमें समझा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य के तौर पर भगवद्गीता को नहीं समझ पाएगा, भक्तों की ही मदद से समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारे समक्ष श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, जिसके माध्यम से वैसे शुद्ध भक्तों की मदद से हम इस भगवद्गीता को समझने का प्रयास करें हम सभी लोग ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ते हैं, हालांकि इन्हें पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, बट फिर भी हमें उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए एंड अध्ययन करनी चाहिए। एंड एक्चुअली बिकॉज जो कुछ भी हम कृष्ण भावनामृत में हम मैं भी जो जो भी बता रहा हूँ वो सारा कुछ श्रील प्रभुपाद जी का ही शिक्षाओं के आधार पे ही है, उन्हीं का ही वचन हम दोहरा रहे हैं। तो इसलिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से मिलता है वो हमें ध्यान से अध्ययन करनी चाहिए। अभी इस श्लोक में यावन अत्त उदपाने, उदपाने मतलब वेल हुआ जिसमें पानी होता है, पानी का कुआ, सर्वतः संप्लुतो उदके, उदके उदके मतलब उदकम मतलब पानी है, संप्लुतो उदके मतलब एक बहुत बड़ा पानी की समुदाय है, ये जो बहता हुआ पानी रिवर है। यहाँ यहाँ का पता नहीं रहे या नहीं रहे हैं, जो लोग गांव में रहे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। जब म्युनिसिपैलिटी सिस्टम नहीं था, घर पे पानी के नल वल नहीं होता था, उस समय कुआ के पानी से ही सब कुछ चलता था, उस समय की कहानी है ये। उस समय गांव में लोग क्या करते थे कि अगर कपड़ा धोना है तो एक कुआ होता है, उसी कुआ के पानी से कपड़ा ले जाता है, पानी पीने के लिए दूसरा कुआ है, उस कुआ के पानी से पानी पिया जाता है, एंड नहाना है तो और तीसरे कुआ है, और उसी प्रकार से लैबोरेटरी वगैरह गए उसके लिए पानी उपयोग करना है, देन उसके लिए एक और कुआ है। तो उस प्रकार से अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार की कुआएं हुआ करती थी, अलग अलग प्रकार की कुआएं हुआ करती थी। बट वही जब एक बहता हुआ नदी के पानी जब होता है, जो फ्लोइंग वाटर जहां पर होता है ना, वहां पर आप कपड़ा भी धो सकते हो, पानी भी पी सकते हो, नहा भी सकते हो, सारा कार्यक्रम आप सारा कार्यक्रमों के लिए पानी आपको उस बहता हुआ पानी से मिल जाएगी, बिकॉज वो वाटर स्टैगनेट नहीं, वो फ्लोइंग है, इसलिए वो कभी कंटेमिनेट नहीं होता, कंटेमिनेट नहीं होता है। इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार से एक बहता हुआ नदी जो है एक व्यक्ति की सारा आवश्यकताओं को पूरा कर देती है, उनको अलग अलग कुआं में धोना नहीं पड़ता, बल्कि सारे कुआं का पर्पस जो है एक ही नदी सॉल्व कर देती है। उसी प्रकार से जिनको वेद शास्त्रों का उद्देश्य पता है, वेद शास्त्रों का जो मूल उद्देश्य पता है, वो उनको सारे शास्त्रों का मर्म पता चल जाता है, या सारा वेद शास्त्रों की अनेक अनेक उपदेशों का अनेक अनेक पर्पसेस होता है। जैसा अलग अलग कुआ का अलग अलग पर्पस है, उस प्रकार से वेद शास्त्रों में बताएगी अनेक उपदेशों का अलग अलग पर्पस होता है, सारे पर्पसेस सॉल्व हो जाएंगी अगर सारा वेद शास्त्रों का अगर जो एक्चुअल पर्पस अगर जान सके तो। समझ में आया नहीं समझ में आया ना, ठीक है दोबारा मैं बताता हूँ। वेद शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपदेश हैं,
अनेक प्रकार के उपदेश है, तुम ये व्रत करो, तुम ये वाला यज्ञ कर लो, ये वाला यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग में आपको स्थान मिल जाएगी, स्वर्ग में जा सकते हो, ये वाला व्रत करेंगे तो तुम्हें तुम्हें अच्छा पति मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ बताया जाता है ना। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के उपदेश वेदों में, तो इस प्रकार से कर्म कांड का उपदेश भी है, भक्ति का उपदेश है, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के उपदेश है। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट वैदिक स्क्रिप्चर्स का, वैदिक स्टेटमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है, अलग अलग प्रकार का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कुआ का अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग उद्देश्य है। बट एक नदी का पानी सारे उद्देश्यों को पूरा कर देती है, उसी प्रकार से जिनको सारा वेदों का सार पता है, जिनको सारा वेदों का सार पता है, तो वो सार पर्याप्त है उनके सारा वेद शास्त्रों में बताए गए सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। उनको अलग अलग से अपना उद्देश्य, जैसा जैसा उदाहरण के लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जैसा लास्ट तात्पर्य में बता रहे हैं कि सारा वेद शास्त्र में बताए गए जितने भी इंस्ट्रक्शंस की अल्टीमेट कंक्लूजन तो यही है, भगवान के नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम तक हमें पहुंचाने के लिए सारा वेद शास्त्रों का डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। अगर भगवान के नाम जब ही सारा वेद शास्त्रों का सार है करके मैं समझ पाऊं, देन फिर अलग अलग वेद शास्त्रों के एक एक सेक्शन के पास जाने की जरूरत तो नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली जो वेद कहना मेरे से जो कहना चाह रहे वो तो मैं समझ गया ना, मैं समझ गया। देन फिर अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग अलग सेक्शंस में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कुआ के पास जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज मेरी सारा उद्देश्य जो है जो भगवान के नाम में पूरा हो जाए, बिकॉज अल्टीमेटली यही लेना है। चाहे जितना भी शास्त्र पढ़ लो, जितना कुछ भी कर लो, जितना ज्ञान अर्जित कर लो, अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आता है तो करना क्या होता है, नाम जप करना होता है, नाम जप करना होता है। इसलिए कालम नये दियता सकल उपदेश सारम बताया जाता है। इसलिए इस श्लोका में उपदेश अमृत के अंदर के श्लोक आता है, उसमें बताया जाता है उपदेश सारम, वेद शास्त्र में बताया गया सारे उपदेशों का सार है ये नाम जप, सारा वेद शास्त्रों का सार है ये नाम जप। इसलिए वहां पर कहा जाता है कालम नहीं, एक व्यक्ति को अपने समय की पूरा समय की उपयोग जो है इसी नाम के लिए उपयोग करनी चाहिए, 24/7 उनको उसकी समय के उपयोग जो है भगवान के नाम लेने में उसकी उपयोग करनी चाहिए, नाम संकीर्तन करने में, नाम प्रभु की सेवकों का सेवा करने में, हरिनाम प्रभु के सेवक है जो भी नाम ले रहे हैं, हरिनाम प्रभु का सेवक है उन लोगों की सेवा करने में हम समय देनी चाहिए, वैसा हरिनाम लेने में सेवा देने समय देनी चाहिए, नाम संकीर्तन करने में समय समय देनी चाहिए, नाम संकीर्तन के प्रचार करने में समय देनी चाहिए, तो उस प्रकार से हमारा सारा समय इसमें एब्जॉर्ब होना चाहिए करके यहाँ पर बता कालम नहीं दिया करके। एंड ये भगवान के नाम कितना महिमान्वित है, क्यों इसको सारे शास्त्रों का सार बताई गई है, तो इसके विषय में भागवतम के अंतर्गत बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। अहो बतस्व पचोतो गरीयान यजिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्या ब्रह्मानुजो राम गृणन्ति ये ते। अहो बतस्व पचोतो गरीयान, इस ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर श्लोक है। स्वपचः मतलब कुत्ते की मांस खाने वाला व्यक्ति जिसे चंडाल कहा जाता है, एक चंडाल व्यक्ति भी अहो स्वपचः, एक चंडाल व्यक्ति भी ब्राह्मण से भी वरिष्ठ, गरियान गरियान मतलब ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है, एक चंडाल व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है, कब बन जाएगा, केवल केवल और केवल जब वो अपने जिह्वा से भगवान के नाम लेता है। भगवान के नाम लेने मात्र से एक चंडाल कुत्ते के मांस खाने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना गया है, भागवतम में ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना गया, ब्राह्मण मतलब बाकी तीन कुलों, बाकी तीन
तीन वर्ण के लिए वो गुरु होते हैं ब्राह्मण, और वैसा जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठतम स्थान हो जाता है गरीयान। गरीयान मतलब ऊपर, मतलब श्रेष्ठ हो जाता है। कैसे? यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम द्रव्यम्। जिह्वाग्रे, अपना जिह्वा के अग्र भाग में जिसने भगवान के नाम को धारण किया हुआ है वो श्रेष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। तो वैसा है ना, इसलिए तो हमें भगवान के नाम लेनी चाहिए। कितना सुंदर है भगवान के नाम, कितना मधुर है लेने में, कितना स्वाद होता है भगवान के नाम लेने में। इसलिए उस दिन हम कह रहे थे ना, पता नहीं आप ही लोगों को कथा बता रहे थे, मुझे पता नहीं किनको बताया था, आप ही लोगों को बताया था कि वो राम जी वो पत्थर वत्थर डालते हैं, पत्थर डालते हैं ना वो कथा। तो उसमें जैसा राम जी ने जैसा पत्थर छोड़ा तो पत्थर डूब गया, जैसे उस दिन हम यही कथा बता रहे थे सभी को। एक बार जब वारती बन रहा था उस समय भगवान श्री राम ने सोचा कि ये पत्थर तैरता कैसी कैसे है। देन फिर राम जी ने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं। देन फिर राम जी ने सोचा कि अभी नहीं, सभी लोग देख रहे, बाद में आते। देन रात्रि के समय भगवान श्री राम जाते हैं, गए थे एंड पत्थर डाले थे पानी में, एंड पानी में पत्थर डालते वो पत्थर डूब गया। एंड पत्थर वो डूबते ही पीछे से कोई व्यक्ति हंसा। देन फिर राम जी पीछे मुड़कर देखा तो हनुमान जी थे। फिर हाँ, राम जी को लगा, रही ये तो देख ही लिया, ये तो देख लिया मेरा पत्थर तो डूब गया। फिर राम जी ने ठीक है हनुमान जी से कहा कि अरे आप लोग जब पत्थर डालते हो तब तो पत्थर तैरता है, और मैं स्वयं पत्थर डाल रहा हूं और फिर पत्थर डूब जा रहे हैं, ये क्या बात है। फिर हनुमान जी ने कहा कि ये शक्ति हमारी नहीं है राम, ये शक्ति तो तुम्हारी नाम की है, तुम्हारा नाम की है, इन पत्थरों के ऊपर तुम्हारा नाम लिखने की वजह से ये पत्थर तैर रहा है, आपकी नाम की शक्ति के प्रभाव से तैर रहा है। देन फिर राम जी ने पूछा कि अगर मेरे नाम में ही इतना शक्ति है, मेरा नाम लिखने मात्र से वो तैरता है, जब मैं स्वयं पत्थर को रख रहा हूं वो क्यों डूब गया। तो फिर हनुमान जी ने कहा अरे राम, इतना भी आप समझ नहीं पाते हो कि जिनको आपने छोड़ा है वो तो डूबेगा ही ना, वो तो तैरेगा थोड़ी, जिसको आपने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही, तो इसलिए पत्थर डूब गया, बट जिस पत्थर पे आपके नाम लिखा वो तो पत्थर तो तैर रहे। उसी प्रकार से उसी दौरान हमने बताया कि हम भी अगर अपने जिह्वा पर भगवान के नाम को लिख दें देन हम भी संसार सागर में तैरने लगेंगे, हम भी संसार सागर में तैरने लग जाएंगे अगर हम भी अपने जिह्वा जिह्वा पर भगवान के नाम को लिख दें। तो इसलिए हमें नामांकित कर देनी चाहिए अपने जिह्वा को। द टंग शुड बी डेडिकेटेड टू चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। द टंग शुड लिटरली बी डेडिकेटेड टू वर्ड्स दिस पर्पस। इट हैज नो अदर पर्पस देन चैंटिंग। भगवान के नाम लेने से लेने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं इस जिह्वा की, बाकी अन्य कोई भाषा ये जिह्वा बोलती है वो सारा विष है, बस जहर है। केवल और केवल भगवान के नाम रटने के लिए जिह्वा दी गई है। एक तो नाम रटा जा सकता है, दूसरा नाम को ग्लोरीफाई किया जा सकता है, या भक्तों की सेवा की जा सकती है, बस और कुछ नहीं।
तो उस प्रकार से हमें नाम लेनी चाहिए, तब वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर बताइए, तेपुस तपस्ते जो हु शश्नुरार्या ब्रह्मान जो नाम ग्रहण दिए थे। एंड जो भी व्यक्ति भगवान के नाम ले रहे हैं, हमें ऐसा मान लेनी चाहिए, जिसने भी भगवान का नाम लिया है ऐसा हमें मानना चाहिए कि उसने तेपुस तपस्ते, उन्होंने शास्त्रों में बताए गए सारे तप को उन्होंने कर लिया, शास्त्रों में बताया कि सारा तप वो कर चुका है। He has already performed all kinds of austerities mentioned in scriptures. एंड तेपुस तपस्ते जो हो शश्नुदार्या, एंड वेद शास्त्रों को अनेकों बार उन्होंने पढ़ भी लिया और वेद शास्त्रों को समझ भी गया। एंड वेद शास्त्रों में बताया गया जितने भी अनुष्ठान व्रत होम यज्ञ इत्यादि वो कर लिया, एंड सारे तीर्थ यात्राएं वो कर भी लिया, सारा तीर्थ यात्राओं में नहा भी लिया, इस प्रकार से मानना पड़ेगा। वन हु हैज टेक, जैसा हम कहते हैं ना, अगर कोई एमटेक कर रहे है इसका मतलब उसने बीटेक कर लिया ना, अगर कोई अभी एमटेक कर रहा है तो इसका मतलब उसने बीटेक कंप्लीट कर लिया और एलकेजी यूकेजी की बात ही नहीं रहा, एलकेजी यूकेजी की बात ही नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी कर ही चुका है। तो यही बात भगवान कह रहे कि भाई साहब ये तो भगवान का नाम ले रहे, इसका मतलब वो पहले की कहानी उसकी सारा खत्म हो चुका है, सारा तपस्या कर चुका है और सारा यज्ञ कर चुका है, सारा तीर्थ यात्रा कर चुका है, एंड जो कुछ भी शास्त्रों में बताया गया सारा अनुष्ठान व्रत होम, तभी जाकर वो एमटेक में या पीएचडी में जो कि भगवान के नाम जप करने में वो लग गए आज। इसलिए इसलिए जो कोई भी हमने व्रत होम यज्ञ तप इत्यादि हमने अपना पूर्व जन्मों में हमने आज तक किया हुआ है, आज तक किया हुआ है, आप सब सारा दे हैव बोन फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफ, आपकी कृत हो तभी आज आप भगवान के नाम ले पा रहे हैं, सफल हो गया तुम्हारे तपस्या, सफल हो मिल गया तुम्हें भगवान के नाम लेने, इसी लक्ष्य तक पहुंचना था। वो सारा तपस्या करके, तपस्या करके भी इस लक्ष्य तक पहुंचना था, एंड इस लक्ष्य तक पहुंच गया आज। एंड ये सारा यज्ञ तप होम इत्यादि करके आपको इसी लक्ष्य तक पहुंचना था। आप त्रेता युग में खूब सारे यज्ञ किए थे ना, वो सारा यज्ञों की यही फल था, भगवान के नाम लेने का मौका मिलना। ये मौका आज भक्तों की कृपा से आज हम हरे कृष्ण आवाज, हरे कृष्णा हरि ओके। तो उस प्रकार से इसलिए नाम जप करने के मौका ही ये हम समझ नहीं पाते हैं, बट दिस इज अ रेयर रेयर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटीज। हालांकि हमसे अच्छा से हो नहीं पाते, उस वजह से हम उसको इतना सीरियस नोट पर हम नहीं ले पाते हैं, बट दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटीज जो कि हमें भगवान के नाम जप करने के लिए आप मिल रहे हैं। जो भी आपने आज तक पूजा व्रत इत्यादि जो भी आपने किया है, जो भी आपने किया है, तो अभी उसका उसका फल उठाने के समय आ गया, उसकी फ्रूट उठाने के समय आ गया, एंड वही है भगवान के नाम जप, भगवान के नाम जप। हालांकि इट इज ऑल्सो सेड कि भगवान के भक्ति का कारण कोई और कार्य नहीं हो सकता है,
कोई और पूजा अनुष्ठान इत्यादि नहीं हो सकता भक्ति के कारण। भक्ति के कारण केवल और केवल भक्ति ही होता है। भक्ति की वजह से ही हमें भक्ति मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। किसी भक्त के अंदर भक्ति था, वो अपने भक्ति भाव में आप हमारे ऊपर दया करते हुए उन्होंने हमें भगवान के नाम से जोड़ दिया, है ना। किसी किसी की भक्त में भक्ति उनको प्रेरित किया हमें भगवान के नाम देने के लिए, फिर उन्होंने हमें भगवान का नाम देकर नाम के साथ हमें जोड़ दिया। तो अभी मान लेना हमारी शादी हो चुका है नाम के साथ, देन फिर लॉयल रहे। है ना, ध्यान पूर्वक अच्छा से नाम जप करनी चाहिए। एंड नाम जप करने की आनंद वो ढंग से नाम जप करने का प्रयास करने पे ही मिलता है। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक नाम जप करनी चाहिए, खास करके भक्तों का संगति में आकर जप करे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी नाम का टॉपिक आ गया तो टाइम भी हो गया 8:30। तो उस प्रकार से तो जिसने भी इस प्रकार से सारे शास्त्रों को निचोड़ हरिनाम है, भगवान के नाम है करके जिसने समझा है, उनको वापस सारे शास्त्रों का अध्ययन मतलब इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं पड़ता, इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज उनको सारे शास्त्रों का सार उन्होंने पकड़ लिया उस प्रकार से। हम सर हम ये सारे शास्त्र किसके पढ़ रहे हैं, शास्त्र ताकि हम अपना कन्विक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना कन्विक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना श्रद्धा बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि हम और श्रद्धा के साथ भगवान के नाम ले सके। बिकॉज सबसे महत्वपूर्ण अंग हरिनाम जप में यही है कि हमारा श्रद्धा, आपकी श्रद्धा जितनी है नाम पे उतना ही मन लगता है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए थे, उन्होंने भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना कैसे है उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया, एंड उसी के लिए वो अवतार हुई है चैतन्य महाप्रभु का अवतार। एंड उस अवतार में महाप्रभु भगवत गीता को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने का मार्ग क्या दिखाए थे, संकीर्तन दिखाए थे, क्योंकि यही तो सार था ना, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः। ये भगवत गीता का स्टेटमेंट, सततम कीर्तयन्तो माम 24/7 सततम, हमेशा मेरे कीर्तन करो, ये भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरे कीर्तन करो। एंड वही चैतन्य महाप्रभु करके दिखाए थे, संकीर्तन करके दिखाए थे। हालांकि इस समय तो प्रकाश आनंद सरस्वती जैसे मायावादी लोग तो चैतन्य महाप्रभु को मजाक उड़ाने लगे, चैतन्य महाप्रभु को मजाक उड़ाने लगे, अरे तुम तो इतना बड़ा सन्यासी होते हुए आप इस प्रकार से क्यों पागलों की तरह नाचते गाते गाते हुए घूम रहे हैं गलियों में। तेन महाप्रभु ने उनसे यही कहा, गुरु मोरा मूर्ख देखी, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझा, समझकर मेरा जैसा लोगों को उद्धार करने हेतु मेरे गुरु ने कहा कि तुम भगवान के नाम लो, यही पर्याप्त, वेदांत वगैरह आप तो समझ नहीं पाओगे, आप भगवान के नाम लो यही पर्याप्त है। तो इसलिए उन्होंने मुझे नाम दिया, एंड आज वही नाम लेकर मैं पागल हो जा रहा हूं, आज वही नाम मुझे पागल बना दे रही। तो इसलिए हम सभी लोगों का लक्ष्य है पागल बनना, पागल बनना, भगवान के पीछे पागल बनना। अभी तो हम अभी भी पागल है,
ऐसा नहीं कि नाउ वी आर इन सेम तो नहीं है, अभी भी पागल है, दुनिया के प्रति पागल है। अभी हमें पागल बनना है कृष्ण के लिए, हरि नाम के लिए पागल बनना है ना, तो पागल ही बनना है। बट किन के लिए पागल बन रहे वो बदल जाता है। अभी दुनिया के लिए पागल है, अभी हम कृष्ण के लिए पागल बनेंगे तो सभी पागल बनेंगे, पागल बनेंगे। गुड, शायद ही जीवन में कोई चाहते होंगे पागल बनना। अगर कोई कोई आपके जीवन का क्या उद्देश्य अगर पूछे, अगर हम बताए कि पागल बनना उद्देश्य है, देन वो तो पागल हो जाएगा। जो पूछा है वो तो पागल होगा, अरे ये क्या शिक्षा पढ़ा रहे हो, तो पागल बनना क्या उद्देश्य है। तो वैसा फिर आगे 47 श्लोक, कर्माणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु दुर्मा ते संगोस्य कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य, यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं, कर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वे निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वे ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पिछले श्लोक में एक शब्द हम छोड़ दिए थे, ब्राह्मणस्य विजानतः, मतलब ब्राह्मण जो ब्राह्मण शास्त्रों की सार को जानते हैं, तो उनके विषय में बताया गया स्तावन सर्वेदेशु, वो सारा वेद शास्त्रों को भी वो जानते। तो अभी ये वाला श्लोक कर्मणि एव अधिकारस्य, बहुत ही फेमस श्लोक है बाहर, एंड इसी श्लोक के आधार पर कई लोग अलग अलग प्रकार के अर्थ वगैरह निकालते हैं, कई प्रकार के अर्थ निकालते हैं। कर्म ही पूजा है करके, कर्म करने के लिए भगवान ने कहा है, बस आप अपना कर्म करो तो काफी है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की आर्गुमेंट्स वगैरह जो निकालते हैं, उन आर्गुमेंट्स को हम कैसे काट सकते हैं, या उस आर्गुमेंट से क्या सही समझ है, तो वो अब सबसे पहला, कर्म तीन प्रकार का होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म,
तीन प्रकार का कर्म होता है। जैसा टेबल, टेबल एक जेनरिक टर्म है, टेबल डाइनिंग टेबल हो सकता है, स्टडी टेबल हो सकता है, ड्रेसिंग टेबल हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल वैरायटीज है। उसी प्रकार से कर्म एक जेनरिक कैटेगरी है टेबल की तरह, एंड उसमें तीन सब कैटेगरीज है। कर्म भी एक और कैटेगरी है, कर्म के अंतर्गत ही कर्म एक कैटेगरी है, कर्म अकर्म और विकर्म तीन कैटेगरीज है। कर्म इन जनरल टर्म का मतलब होता है एक्शन, एक्टिविटी। एंड अभी कैटेगरीज के अंदर आएंगे, कर्म विकर्म कर्म के विषय में आएंगे, तो उसके अंतर्गत कर्म का मतलब यह होता है एक्टिविटीज एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज एज पर द स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस, शास्त्रों की वचनों के अनुसार जो कार्य एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए शास्त्रों की रिकमेंडेशन के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो कर्म होता है। एक भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं बट शास्त्रों की रिकमेंडेशन के अनुसार, तो उस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो ये कर्म होता है। एंड विकर्म मतलब विकृत कर्म, मतलब ये पापमय कार्य है जो कि गलत कार्य है, जो कि गलत कार्य है। तो इस प्रकार के विकर्म करने पे उसका फल स्वरूप हमें कार्मिक रिएक्शंस, पाप के रूप में सिंफुल रिएक्शंस हमें मिलते हैं। वही कर्म करने पे हमें पुण्य फल मिलता है, कर्म करने पे पुण्य फल एंड विकर्म करने पे पाप फल मिलता है। एंड अभी अकर्म के बाद आता है, अकर्म मतलब अकार, जब संस्कृत में आता है ना अकार, वो दैट इज नेगेट्स द वर्ड मतलब कर्म को नेगेट करती है, तो इसलिए अकर्म मतलब जो कर्म नहीं है दैट मीन्स ये कर्म के अंदर गिना नहीं जाता है, बिकॉज इसका कोई पुण्य फल होता है ना कोई पाप फल होता है, इसका पुण्य फल भी नहीं मिलेगा, पाप फल भी नहीं मिलेगा। इस अकर्म के अंदर कौन सा ऐसा कर्म होता है जिसे जिसका कोई पुण्य भी नहीं तो कोई पाप भी नहीं होता, एंड वो है भक्ति कार्य, डिवोशनल एक्टिविटीज। डिवोशनल एक्टिविटीज जो भी भक्तिमय कार्य जो हम करते हैं वो अकर्म के अंतर्गत आता है। हरे कृष्ण। तो प्रकार से कर्म का ये तीन प्रकार है, ये तीन प्रकार समझ में आए सबको क्या क्या होता है, इसकी क्या प्रतिभा है। मैं दिखाने दिखाई दे रहा हूँ ना, कोई बोल रही है। ओके भगवान ऑटोमेटिकली बीच बीच में ब्रेक दे रहे हैं पावर करवा के, मैं नहीं देता हूं। वॉइस नॉट क्लियर,
ऐसा करेंगे। मेरा एक और डिवाइस भी अभी लॉगिन है, लॉगडाउन है, देन उसको उसको भी आप पोस्ट बना सकते। क्लियर है, ठीक है। दिस इज द केस, ये थ्री टाइप्स ऑफ कर्मास है। तो अभी फिर उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, कर्मणि एव अधिकारस्ते, अधिकार है मतलब योर राइट, आपकी राइट है कर्म, कर्मणि एव, कर्म करने का तुम्हारी अधिकार है, कर्म करने का तुम्हारी अधिकार है करके भगवान कह रहे हैं। इट इज योर राइट टू परफॉर्म कर्म, कर्म करना तुम्हारे अधिकार बनता है। मां फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म करने पे अधिकार है बट कर्म फलों पे अधिकार नहीं है। मां फलेषु, मां मतलब नॉट है, बट नॉट ऑन द फलेषु, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करने पे अधिकार है बट फलों पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। कदाचन मतलब कभी भी, कभी भी हमारा फलों पे अधिकार नहीं होता है, हमें केवल कर्म करने पे अधिकार होता है। एंड फिर उसके आगे कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भूत, मां कर्म फल हेतु, कर्म फल हेतु, जो भी कर्म फल जो हमें प्राप्त होता है, जो भी रिजल्ट एक्शन के रिजल्ट हमें मिलता है, उसका हेतु, उसका कॉज, उसका कारण अपने आप को मत मान। डोंट कंसिडर योर सेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द एक्शन, दैट मीन्स वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ द एक्टिविटी ऑल्सो, हमें तो रिजल्ट भी नहीं, रिजल्ट भी हम एंटाइटल नहीं है, रिजल्ट के ऊपर भी हमारे अधिकार नहीं है, एंड रिजल्ट की क्रेडिट पे भी अधिकार नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते रिजल्ट मेरे वजह से आई है, रिजल्ट मेरी वजह से आई, मैंने मेहनत किया मेरी वजह से आई है करके ये भी नहीं कह सकते। तो कर्म फल पे भी अधिकार नहीं, कर्म फल की हेतु पे भी अधिकार नहीं है, हेतु मतलब कॉज पे अधिकार नहीं है। तो उस प्रकार से कर्म करने पे अधिकार है, कर्म फल पे अधिकार नहीं है, और कर्म फल की क्रेडिट पे, कर्म फल की कॉज पे भी अधिकार नहीं है। तो उस प्रकार से ये हो गया ना। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसा कि बैंक में कैशियर होता है, बैंक में कैशियर होता है, वो कैशियर क्या करता है, वो दिन भर उनकी काम ही है कैश गिनना, उनकी काम है कैश गिनना, और दिन में कई करोड़, कई करोड़ रुपए कैश गिनता है। उसमें मैंने जितना कैश गिना उतना कैश मैं शाम के समय अगर ले जाऊं तो, अगर मैं कह दूं प्रभु जी मैंने ही तो मेहनत करके सारा कैश, कैश की गिनती तो मैंने ही किया, तो शाम को घर जाते वक्त मैं ले जाऊं बैग भर के, ये तो अलाउड नहीं है ना। कैश गिनने तक ही तुम्हारा काम है, कैश पे, कैश के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा काम कैश गिनने तक, कर्म करने तक तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल जो कि कैश है, कैश के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं, बिकॉज कैश तुम्हारा नहीं है। एग्जैक्टली कैशियर का ही काम हमारे भी है, कैश गिनने तक हमारे अधिकार है, कैश के ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता आइडियली स्पीकिंग। हम बट बेकार में हम जमाने लगते हैं, बट वो तो दूसरी बात है, बट आइडियली तो नहीं होनी चाहिए। एंड ये भी नहीं कह सकते हैं इस कैश को, कैश के कारण
चाहे इसको मैंने लिया या मैं ही कारण हूं करके, करके भी नहीं कह सकते, तो उस प्रकार से समझना होगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, तो उस प्रकार से इस श्लोक को समझना है। एंड पर कई बार कोई व्यक्ति कह सकता है कि ठीक है प्रभु जी, मैं अगर केवल कर्म करने पे मेरे का अधिकार है, ना कर्म फल मुझे मिलने वाली है, ना कर्म फल के क्रेडिट मुझे मिलता है, देन फिर मैं कर्म भी क्यों करूं, कर्म भी क्यों करूं, जब कुछ मिलने वाला ही नहीं है, जब कुछ हाथ में लगना ही नहीं है, तो मैं कर्म क्यों करूं। जिनको फल लेना है वो अन्य को काम करने दो, जब भगवान को लेना है तो भगवान को करने, भगवान को बोल देना, वही कर्म भी करे वही फल भी ले, बेकार में मैं बीच में आकर कर्म करूं और वो फल वो उठा लेगा, तो मैं क्यों बीच में क्या काम करूं। देन उसके समाधान यहाँ पर बताए जाते हैं, माते संगोस्ती अकर्मणी, अ पर्सन शुड नॉट बी अटैच टू नॉट डूइंग वर्क, अ पर्सन शुड नॉट बी अटैच टू नॉट डूइंग वर्क, हमें काम नहीं करने से भी आसक्त नहीं होनी चाहिए। ये बात भी कहना समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि अनासक्ति मतलब काम करना छोड़ देना ही अनासक्ति है, वैराग्य, वैराग्य मतलब उनको लगता है काम करना छोड़ देना है, इसी को वैराग्य मानते हैं। बट यहाँ पर भगवान उसको क्या कर रहे हैं, बेटा वो भी आसक्ति है, काम करना छोड़ना भी एक प्रकार की आसक्ति है। वो किस कौन सी आसक्ति है, काम नहीं करने के प्रति तुम तो आसक्त हो ना, यू आर स्टिल अटैच टू नॉट डूइंग वर्क, वो भी एक प्रकार की आसक्ति है। तो आप ये मत सोच रहे हो वो वैराग्य नहीं है, वो दूसरी प्रकार की आसक्ति है। जैसा होता है ना, इट इज लाइक टू टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, अटैचमेंट को दो पल्ले है, ये बीइंग अटैच्ड टू वर्क एंड बीइंग अटैच्ड, तो इसलिए हमें काम करने से भी आसक्त नहीं होना चाहिए और काम नहीं करने से भी आसक्त नहीं होनी चाहिए। हमें आसक्त होना है एक ही व्यक्ति से, वो कृष्ण से, बस हमें हमारे आसक्ति केवल एक ही जगह पर कृष्ण पे हमारी आसक्ति होनी चाहिए, अन्यथा कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। हम कृष्ण के प्रति आसक्ति रखते हैं, बाकी सारा आसक्तियों को हम छोड़ेंगे, चाहे काम करने के प्रति हो, काम नहीं करने के प्रति हो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर कृष्ण चाहते हैं हम कार्य करेंगे, कृष्ण नहीं चाहते हैं नहीं करेंगे, बस यही है। देन फिर लोग कहते प्रभु जी फिर हम क्या करें, काम करें काम ना करें, तो उसका यही समाधान है, कृष्ण चाहे तो करेंगे, कृष्ण नहीं चाहे तो नहीं करेंगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध करो, युद्ध ने युद्ध किया अर्जुन ने, अगर कृष्ण वही अर्जुन को कहेंगे युद्ध मत करो तो फिर युद्ध नहीं करेंगे, खत्म बात। हमें फैसला लेने की जरूरत नहीं, कृष्ण लेंगे और हम पालन करेंगे, कृष्णा करने बताएंगे। अर्जुन को तो स्पेशल फैसिलिटी था, कृष्णा आकर बता दिया कि जो युद्ध करो, बट हमें कैसे पता चलेगा कार्य करना चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये हमें पता चलेगा तीन तीन मार्गों से, गुरु साधु शास्त्र, दीज आर द थ्री वेज टू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ द लॉर्ड। अर्जुन को प्लान ऑफ द भगवान के प्लान तो सीधा सीधा पता चल जा रहे, बट हम जैसे लोगों को भगवान के प्लान समझने के माध्यम ये तीन, गुरु साधु और शास्त्र, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के वचनों से, साधु के वचनों से, इन तीन मार्ग से हमें गुरु के प्लान समझ में आता है, भगवान के प्लान समझ में आता है। एंड देन फिर भगवान के प्लान को एक हम एग्जीक्यूट करना है हमारा काम, तो उस प्रकार से हमें अभी मेरी आवाज क्लियर है?
डिफरेंट डिवाइसेस हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। अभी तो ठीक होना चाहिए। आज वो शायद बारिश वगैरह हुआ ना, तो उसकी वजह से सम प्रॉब्लम होगा नेटवर्क। मैं ना मैं दो डिवाइसेस यूज कर रहा हूँ, एक डिवाइस से मैं वीडियो चला रहा हूँ, दूसरे डिवाइस से मैं ऑडियो चला रहा हूँ, सो दैट डिवाइस की बैंडविड्थ सेव होकर एक डिवाइस से ऑडियो जाएगी, एक डिवाइस से वीडियो। तो इससे ज्यादा मैं भी क्या कर सकता। तो वैसा है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं कि देखो आप इस प्रकार से कर्म से आसक्त हुए बिना आप अपने कार्य करो, कर्म से आसक्त हुए बिना आप अपने कार्य करो, तो यही बेस्ट है करके यहाँ पर अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो इसी को निष्काम कर्म करके कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका, दिस वुड बी द लास्ट। योगस्तौ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे अर्जुन, इस जय पड़ी अथवा पराजय की हे अर्जुन जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्ण आश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्ण आश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे यहाँ कह रहे हैं योगस्तो कुरु कर्माणि, आप इस प्रकार से समत्व के साथ आप
अपने कर्म करो संभाव के साथ या योग में स्थित होकर, योगस्थ योग में स्थित होकर या समत्व की भावना के साथ आप अपने कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजया, सारा आसक्तियों को छोड़कर अर्जुन धनंजयी, भगवान अर्जुन के नाम धनंजया का मतलब यह है कि जिसने धन की अर्जन करने गए थे, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था सभी सभी ब्रदर्स को उन्होंने अलग अलग दिशाओं में भेजा, अर्जुन भी एक दिशा में गए थे, फिर वहां पर काफी धन इकट्ठा करके अर्जुन लाए थे, तो फिर इतना धन इकट्ठा करके लाने के कारण अर्जुन के नाम ही पड़ गया धनंजया, क्योंकि धन इकट्ठा करके लाए थे। संगम त्यक्त्वा हे धनंजया, संगम त्यक्त्वा आप अपना सारा शक्ति को छोड़कर आप एक समत्व की भावना के साथ आप अपने कर्म कर। समत्व भावना किसमें, सिद्धि असिद्धियों समूह भूत्वा, सक्सेस में फेल्योर में दोनों में आप समत्व की भावना रखो। इस प्रकार के समत्व को ही योगम उच्चते, इस प्रकार के समत्वम की स्थिति को पाना ही योग है। या अन्य वचन में कहा जाता है जिसने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने योग को जोड़ दिया हुआ है, अपने कनेक्शन को जोड़ दिया हुआ है, फिर वो व्यक्ति हर परिस्थिति में समत्व की भावना रखता है, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेल्योर मिले, ही विल ऑलवेज बी इक्वल। अभी प्रश्न ये है कि ये कैसे संभव है, सक्सेस में फेल्योर में समत्व कैसे रहेंगे, हम तो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तभी इसकी कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। देखिए अ डिवोटी इज सेड टू बी ट्रांसेंडेंटल, एक भक्त जो है वो दिव्य स्तर पे है, जो कि ट्रांसेंडेंटल मतलब ही हैज ट्रांसेंडेड द मटेरियल कंसिडरेशंस, हर प्रकार की भौतिक कंसिडरेशंस को उन्होंने पार कर चुका है, इसलिए इस भौतिक प्रकार की सफलता और भौतिक प्रकार की असफलता दोनों के परे जा चुके हैं। दोनों के परे जाने का मतलब ये हुआ he is not bothered about whether he is materially successful or a failure, all that matters to him is whether he is successful in krishna consciousness, unko bhautik prakar ki safalta vifalta se zyada matlab nahi hai, unko matlab kis baat se hai, krishna bhavana amrit mein wo safal hai ya nahi, kis baat se matlab hai। बिकॉज मेरी ये प्रश्न है, ये इसलिए उनकी भावना इस प्रकार से क्यों बनता है आप देखिएगा, इस प्रश्न की उत्तर आप लोग अपने आप से अपने आप को देंगे तो समझ आएगी। अगर मानो मैं इस दुनिया की आंखों में मैं जीत गया बट भगवान श्री कृष्ण के आंखों में हार गया, तो मैं जीवन में जीता या हारा, अगर मैं दुनिया की आंखों में हार गया बट कृष्ण की आंखों में जीत गया, तो मैं अपना जीवन में मैं सक्सेस सफल या विफल हुआ, क्या हुआ, अल्टीमेटली जीता या हारा। अल्टीमेटली हमें जीतना है, सही में जीतना, हमें सक्सेस पाना है कृष्ण के दृष्टिकोण में ना। जैसा कि हमारा क्लास में 10 बच्चे हैं और हमारा टीचर है, आपको पास होना है टीचर की दृष्टिकोण में ना, आपके फ्रेंड्स की दृष्टिकोण में आप हार गए या पास हो गए कोई मतलब नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज अल्टीमेटली ग्रेडिंग वेटिंग तो देने वाली है टीचर, टीचर की दृष्टि में आपको पास होना चाहिए। उसी प्रकार से जीवन में सक्सेसफुल होना है कृष्ण के दृष्टिकोण में, कृष्ण के दृष्टिकोण में फेल हो गए और बाकी लोगों के दृष्टिकोण में हम जीत भी गए तो क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाली। इसलिए उनको बाकी लोगों की जो दृष्टिकोण में हार जीत से कोई मतलब ही नहीं है, उनको बाकी लोगों के दृष्टिकोण में
हाँ, जिससे कोई मतलब ही नहीं। अगर मेरा फ्रेंड मुझे कह भी दे तुम फेल हो गए फेल हो गए फेल हो गए, उनसे उनके कहने पे क्या होने वाली, कोई मतलब ही नहीं है। मुझे अल्टीमेटली पास होना है टीचर की दृष्टिकोण। उसी प्रकार से मुझे कोई मतलब ही नहीं इस दुनिया के दृष्टिकोण से, कोई सफल कहे कोई विफल कहे। अब वो कह रहा है तुम पे फेल हो रहे, तुम्हें जॉब भी नहीं मिला अभी तक, क्या तुम्हारा पढ़ाई है बेकार है, तुम्हारी बर्बाद है तुम्हारी जीवन। तो कहने दो कहने दो, क्या मतलब पड़ता। बिकॉज आई एम नॉट देयर टू, बिकॉज देखिए आप चाहे जितना कुछ भी आप अपना खून बहा दो फिर भी इस दुनिया को आप प्लीज नहीं कर पाओगे। आप अपना खून एक एक बूंद निकाल कर उनकी चरण धो लेना, फिर भी दुनिया आपसे प्रसन्न नहीं होने वाली है। जिनको खून देने से भी प्रसन्न नहीं होंगे, उल्टा दूसरी ओर कृष्ण कह रहे मुझे एक एक पत्ता दे दो मैं खुश हो जाऊंगा, उनको पत्ता नहीं दे रहे और उनको खून बहा रहे, तो क्या फल है। तो बेहतर है कि कृष्ण को पत्ता चढ़ा दो, तुलसी पत्ता चढ़ा दो, कृष्ण खुश हो जाएंगे। दूसरी ओर यहाँ पर खून बहा भी दे फिर भी कुछ फल नहीं है। तो दैट इज वाई डोंट हैंकर टू बिकम सक्सेसफुल मटीरियली। ऑल दो यू बिकम सक्सेसफुल मटीरियली, देर इज नथिंग दैट यू विल अल्टीमेटली अचीव एट द एंड ऑफ योर लाइफ। जीवन के अंतिम में कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए बहुत सक्सेसफुल हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, एंड फेलियर भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कई बार लोग जीवन में थोड़ा बहुत फेलियर होने पे सुसाइड कर ले तो मर जाते, डिप्रेशन में चले, स्ट्रेस में चले जाते। क्या स्ट्रेस में जाना है, उस फेलियर से क्या मतलब है मुझे अपना जीवन को लेकर। ये एग्जैक्टली उसी प्रकार से है, कई बार सिनेमा में कोई विषाद वाला सीन देखकर हम रो पड़ जाते हैं ना, सेंटिमेंटल सीन देखकर हमारे आंखों से आंसू आ जाता है। थोड़ा सा सॉफ्ट लोगों को ऐसे ही होता है, मैं भी रो जाता रो पड़ता था कई बार, हम भी इतना। तो सिंपली बीइंग अफेक्टेड बाय समथिंग विच इज नॉट रियल, वो है नहीं, वो सच है नहीं, बट फिर भी उसे प्रभावित हो जा रहे हैं, से प्रभावित हो जा रहे। सिमिलरली इस दुनिया के सक्सेस फेलियर वो रियलिटी है ही नहीं, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं रखने का। हमें बस इतना, इस हद तक हमें अपने जीवन को चलाना है, मुझे अपना घर परिवार चलाना है, भरण पोषण करना है, बस इससे मतलब, इससे मतलब है अपना घर परिवार चलाना है, अपना पेट भरना है, ताकि मैं कृष्ण की सेवा अच्छा से कर सकूं, ताकि मैं परिवार के साथ मिलकर कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सकूं। उस प्रकार से हम अपना भौतिक जीवन रखते हैं, उसमें बहुत बहुत बाल बाल खींचने की खींचने की कोई जरूरत नहीं, ना आपके बाल खींचने की जरूरत है, किसी और की बाल खींचने की जरूरत है। आप सीधा अपनी नौकरी करो, थोड़ा बहुत जो पैसा कमाने कमाओ, कृष्ण की सेवा में समय दो, कृष्ण की सेवा में समय दो, एंड कृष्ण की सेवा है ना। सो डोंट फील एनीथिंग, डोंट गेट इनटू डिप्रेशन और स्ट्रेस कि अरे मेरे से ये नहीं हो पाया, मैं तो फेल हो गया, मैं जीवन मेरा फेलियर है, क्या काम की है। अरे तो उस प्रकार से कोई स्ट्रेस में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो फेलियर फेलियर है ही नहीं, वो फेलियर फेलियर है ही नहीं। फेलियर निश्चित रूप से वो है अगर हमारा मनुष्य जीवन खत्म हो गया और हमने भगवान को प्राप्त नहीं किया, देन वो डेफिनेटली फेलियर है। जीवन के अंतिम समय तक कृष्ण को हम प्रसन्न नहीं कर पाए, गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाया, देन वो बहुत बड़ा फेलियर। तो इसलिए वैसा जीवन को फेल मत करो, रादर आप उस पे ध्यान दो, रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। इसलिए आप पर सिद्धि असिद्ध दो समूह द्वार, अभी समझ में आया हाउ अ पर्सन विल बी इक्वानिमस इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर। दिस इज वॉट गोस ऑन गोस इन हिज माइंड।
ये चलता है उनके दिमाग में, इसलिए वो समझ पर, इसलिए भगवत गीता कई बार लोग जब ये सारे बातें नहीं समझते है ना, जब वो भगवत गीता पढ़ते उनको लगता है बहुत इम्प्रैक्टिकल पुस्तक है। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि व्हेन द सक्सेस, व्हेन द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट फॉर अस, सक्सेस की परिभाषा हमारे लिए डिफरेंट है, तो इसलिए संभव है। अगर आर्टिफिशियली आप सक्सेस फेलियर को सहने का प्रयास करेंगे तो वो तो हो गया नहीं, टेंशन में आ जाएंगे, आर्टिफिशियली सह नहीं पाओगे। केवल और केवल ये तभी संभव है कृष्ण भावनामृत में संभव है बस। बाहर के लोग वैसे सेमिनार वेमिनार देकर कह तो देते हैं कि देखिए मतलब फेल हो भी जाए तो तब भी हमें सह लेनी चाहिए, टॉलरेंट रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए वैसा करना, वो सारे इम्प्रैक्टिकल बातों को तो होता नहीं है। ये तभी प्रैक्टिकल है सारा कुछ जब हम कृष्ण भक्ति में हैं, अन्यथा संभव नहीं। ओ जी, तो दिस इज व्हाट इज 48 श्लोक का। तो 49 श्लोक का हम अगले बार ही चर्चा करेंगे, तो आज क्या करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट वंडरफुल सेशन। एंड मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी, शुरू सत्र के शुरू में आज मैं सेवा नहीं कर पाया। आप सभी भक्तों से प्रभु जी से चरणों में क्षमा प्रार्थना है, क्षमा करिएगा। आइए हम सभी एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ने आज का सत्र बहुत परेशानी से लिया, हम समझ सकते हैं। प्रभु जी दो डिवाइसेस को लेकर हमें आज का सेशन कर रहे थे। इससे पता चलता है कि प्रभु जी हमारी सभी के लिए कितना केयर करते हैं। प्रभु जी हम सभी को कृष्ण भावनामृत और हमारे घर वापस ले जाने के लिए कितने सच्चे हृदय से प्रयास कर रहे हैं। लीस्ट हम कर सकते हैं कि हम प्रभु जी का धन्यवाद करें, उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि वो ऐसे ही अपनी कृपा और दया हमारे ऊपर बनाए रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी कैन वी हैव फ्यू क्वेश्चंस? हाँ यस, ओके प्लीज, जिन भी भक्तों को प्रश्न पूछने हैं हैंड रेस करें। गायत्री माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो एग्जाम्पल बैंक का आपने दिया था कि कर्ता हमारा उसमें कर्म फल में हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन जो कारण है कारण नहीं समझ में आया, क्योंकि कारण तो उसने एग्जाम क्वालिफाई किया है तभी तो उसने कैशियर की नौकरी ली है ना, तब तो कारण तो वही है, कारण समझ नहीं आया। जॉब का कारण नहीं बताया जा रहा, कैश का कारण, कैश Yes. की बात हो रही है। कैश का कारण तो वो नहीं है कैशियर, कैश तो किसी और की है। अगर कैश का कारण कैशियर बोलने लगे मेरी कैश है मैंने कमाया, देन फिर क्या हो जाएगी बैंक में। कैश प्रभु जी कोई और कोई एग्जांपल से समझ सकते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं फिर वो एग्जांपल देता हूँ ना, वो कारपेंटर वाला एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है उसको ठीक लेकर आइए, उससे समझ। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता दी फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। नारायण सिंह विष्ट, प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम अप करें। प्रभु जी, मूवी डिस्कनेक्टेड जी हेलो जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, लेकिन आज के श्लोक से, अध्याय से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे ये सीखने को मिला है कि कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है, चंचलता नहीं करनी है, बस कहीं भी लाइन में लग जाओ, कृष्ण भगवान का, प्रभु का नाम लीजिए, अपने आप सफलता आपको मिल जाएगी। कर्म करना है, प्रभु का नाम लेना है प्रभु जी, यही मेरा आपके लिए, मतलब सभी भक्तों के लिए यही जो मेरे को मिला है वो मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग योर रियलाइजेशन. दिलीप सोनी प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें. प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. प्रभु जी जैसे आपने बोला ना कि कई बार ऐसा होता है कि फिल्म में कुछ ऐसे सीन आते हैं जिनसे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस सीन को देखते देखते, लेकिन कई बार जब भी हम भागवत कथा सुनते हैं कुछ ऐसी चीज आती है जैसे सुदामा चरित्र, मेरे ख्याल से जब आंसू शुरू होते हैं तो जब तक कथा नहीं खत्म होती तब तक वो चलते रहते हैं आंसू. एक दूसरा सीन होता है जब कृष्ण भगवान माता यशोदा को छोड़ करके जाने लगते हैं, तो जो ऐसे जो कुछ वर्णन आते हैं जो कथाकार जब ये सीन को बताते हैं तो भी आंखों में आंसू लगातार बहते रहते हैं, तो उसमें और इसमें क्या फर्क हुआ प्रभु जी? तो ये तो अच्छा है जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए हम रोते हैं, ये तो अच्छा चीज है. तो फिर प्रभु जी डिफरेंस क्या हुआ दोनों? एक वहां पे भी हम इमोशनल हो रहे हैं, यहाँ पे भी हम इमोशनल हो रहे हैं, फर्क इतना रहा कि हम यहाँ पे भगवान के लिए इमोशनल हो रहे हैं वहां. ये ट्रांसेंडेंटल इमोशंस है, भगवान के संबंधित है, वो भौतिक है. प्रभु जी फिर ये नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा इमेच्योर्ड हैं दोनों सीन को देख करके हम इमोशनल हो गए? हाँ अगर दोनों को ही देखकर इमोशनल हो रहे देन वो सेंटिमेंटल है. अगर दोनों को देखकर इमोशनल हो रहे तो इसका मतलब वो सेंटिमेंटल है, वो ट्रांसेंडेंटल इमोशंस नहीं है. लेकिन प्रभु जी कई बार ऐसा बोला जाता ट्रांसेंडेंटल इमोशन है तो देन फिर वो ही विल नॉट बी affected by the material situations, but definitely he will have feelings for Krishna. Krishna के लिए भावनाएं रहती है, but भौतिकता के लिए उस प्रकार से नहीं रहेगा. अगर वहां भी रो रही यहाँ भी रो रहे मतलब वो sentimental है. Yes, next. Thank you so much, Prabhuji, for that question. कुछ परिस्थितियों में रोना अच्छा होता है, इससे हम ये सब समझ सकते हैं, खासतौर पे जब हमारे आंसू प्रभु के श्री चरणों में बहें और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें अपनी दया दृष्टि दें, अपनी भक्ति का आशीर्वाद दें. नव्या शर्मा माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि भगवान की ना हम सेवा नहीं कर पाते. आई मीन लाइक बीइंग अ स्टूडेंट मेरे को टाइम ही नहीं मिलता उनको सुबह उठ के प्रसाद चढ़ाने का और वो सब सेवा करने का, बट मैं नाम जब कर लेती हूँ 4 मालास डेज, तो वो क्या ठीक रहेगा? हाँ वेरी गुड, तो वो ठीक है ना? आप बट भगवान की सेवा कोई और कर रहे हैं ना? हाँ हाँ कर रहे हैं. भगवान की सेवा कोई और करे बट आप नाम जप करो. अच्छा ओके ठीक है. थैंक यू माता जी, वी ऑल प्रे फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. नीता रानी माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी जैसा अभी आपने बताया था कि हमें टीचर के हैप्पीनेस से मतलब होना चाहिए और किसी स्टूडेंट या किसी लोगों के कि मेरे सक्सेस या फेलियर में कितने मार्क्स आए, तो जब हम भौतिक जीवन में किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, खूब सेवा करते हैं और सोचते हैं कि ये व्यक्ति अब तो खुश हो जाएगा, तो वो खुश नहीं हो पाता अगर जब हम अपना खून भी चढ़ा देते हैं जैसे आपने बोला. लेकिन कृष्णा अगर खुश होते हैं तो ये मुझे पता कैसे चलेगा हम लोगों को कि भगवान कब खुश हो रहे हैं? क्योंकि जो नाखुश हो रहा है वो तो नजर आता है, लेकिन भगवान कब खुश हो रहे हैं? भगवान का खुशी जैसे एक आचार्य बता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो. जब गुरु आपसे प्रसन्न है समझ लेना चाहिए भगवान आपसे प्रसन्न. गुरु आपसे प्रसन्न है इसी से समझ लेनी चाहिए भगवान आपसे प्रसन्न. यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जिनकी प्रसन्नता में भगवान की प्रसन्नता है वो गुरु है. तो गुरु तो दिखाई देंगे. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट वंडरफुल एक्सप्लेनेशन. ज्योति माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है एक छोटा सा, तो अगर मैं सक्सेस का नहीं सोचूंगी कि मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगी, या मेरे माइंड में ये थॉट नहीं चलेगा कि मुझे सक्सेसफुल करना है अपने बिजनेस को, तो फिर प्रभु जी मैं सेवा करती हूँ
अभी मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह की सेवा कर रही हूँ, लेकिन प्रभु जी जैसे मैं अगर वो अर्न ही नहीं करूंगी, प्रॉफिट नहीं अर्न करूंगी, तो मैं सेवा कैसे करूंगी प्रभु जी? तो मुझे सक्सेस तो माइंड में रखना पड़ेगा उसके लिए, और सक्सेस माइंड में रख रही हूँ इट मींस वो तो फिर आप कह रहे हैं कि गलत है। इसमें इस प्रकार से सोचना चाहिए कि इस भगवान की सेवा करने के लिए मुझे धन चाहिए, जी उस धन के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं आसक्त भी नहीं होंगे उससे, माइंड में है कि करना है करके, बट हम अटैचमेंट नहीं है। समझते हैं कि लोग अटैच्ड हो जाते हैं, अटैचमेंट के कारण लोग फिर वो डिप्रेशन में स्ट्रेस में चले जाते हैं जब उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसलिए माइंड में होता है बट हम अटैच नहीं रहे, तो उस प्रकार से वो बच्चे तो जैसे पढ़ते हैं फिर पास होने के लिए पढ़ना तो है, पास होने के लिए पढ़ना होगा, उस पास होने के विषय में चिंता भी करना होगा, बट अटैच नहीं हो सकते बिकॉज उनके पास फेल्योर उनके हाथ में नहीं है। यस प्रभु प्रभु जी, वी स्टिल हैव फ्यू हैंड्स रेस्ड, कैन वी टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस? हाँ कृष्णा बंधु निवेदिता माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। माता माता जी प्लीज स्पीक लिटिल जी, लाउडर, माता जी थोड़ा जोर से बोलें, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आ रही है आवाज? जी यार प्रभु जी, जैसे आपने बोला है कि कृष्णा की दृष्टि में आपको पास होना है, तो बहुत सारी चीजें आती है बीच में, मतलब आपको सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं एंड फिर इग्नोर भी करना पड़ता है। फिर आप कितना इग्नोर कर सकते हो, मतलब इतना तो फिर हो ही नहीं पाता ना। मतलब एक होता है नाक के ऊपर तक पानी चले जाना, फिर आपको घुटन होती है, तो आपको बोलना पड़ जाता है बहुत सारी चीजें। फिर चलो बाहर वालों को तो हम इग्नोर कर देते हैं, माफ भी कर देते हैं कि हाँ चलो वो पराए हैं, लेकिन घर वालों को कैसे माफ किया जाए? वो तो सीधा अंदर ही जाके लग जाता है और फिर बैठ के कोने में रोना पड़ता है, ये वाला हो जाता है। डेफिनेटली, तो वैसा परिस्थितियाँ मतलब सभी का ही जीवन में कहीं ना कहीं तो आता ही है, जिनको हम मानते हैं वो लोग जब कुछ करते हैं तो देन फिर चोट ज्यादा लगता है, चोट भी ज्यादा लगती है, छोटा सा भी निकले। इस प्रकार से जब होता है एक प्रकार से ये सभी समझना चाहिए कि अगर इस प्रकार की चोट नहीं लगता देन मैं भगवान की ओर नहीं मुड़ता, क्योंकि कई बच्चे बोलने पे सीख लेते हैं, कई बच्चे छड़ी से ही सीखेंगे, हम दूसरे कैटेगरी में, इसलिए कई बार भगवान को माया के माध्यम से छड़ी उठवाना पड़ता है ताकि हम बात सुने और धीमे धीमे नहीं निकले। दूसरी बात यह है कि जब इस प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में जब नहीं आते हैं देन हम कभी भी भगवान के हृदय से पुकार भी नहीं पाएंगे, भगवान को हृदय से पुकार भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं हो तो भगवान को पुकार है क्यों? अगर जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहे तो हम जब को भी बहुत लेते देंगे, आप देख लीजिएगा समस्या होने पे, इसलिए भागवतम में एक स्थान पर तो शायद 11वां स्कंध पर
प्रलय के विषय में बताते और बताया जाता है कि कलियुग की स्पेशलिटी है समस्याएं होना। केवल पृथ्वी ही मतलब ये पूरा भूमंडल मतलब पूरा 14 लोकों में से भूमंडल एक तो एक मंडल है एंड उसमें से भारतवर्ष एक वर्ष है जहां पर ही केवल इस प्रकार की समस्याएं होती है। बाकी कोई वर्ष में बाकी मंडलों में सुख ही सुख होता है, वहां पर तो हर प्रकार की सुख की सुविधा है, बट समस्या है कि वहां पर भगवत भक्ति उतना नहीं होता जितना कि भारतवर्ष में संभव। अगर उस प्रकार के सुकून का जीवन होता देन भगवान को हम भूल जाएंगे, तभी ये भारतवर्ष की स्पेशलिटी है। तो स्पेशलिटी में रहने के बाद स्पेशल स्पेशल डिश भी बिना कहा जा सकते, तो मिलेगा ही मिलेगा मेरा। तो जब भी इस प्रकार से कुछ होता है भगवान को याद करना, बस उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं। जैसे अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि भगवान कब तक ये सारा कुछ मुझे कब तक सहनना है, देन भगवान सीधा यही कहा जब तक तुम्हारे पास ये शरीर है तब तक सहन नहीं होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। शक्नोति, हाँ शक्नोति मतलब सहनना चाहिए, कब तक सहनना चाहिए, ये शरीरम ये जो शरीर जब तक है तब तक आपको सहनना, हम इसको खत्म नहीं कर सकते बिकॉज ये था हमारे कर्म की वजह से मिल रहा है। ठीक है यस लास्ट शैली गर्ग माताजी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभु जी आपने कर्म तीन तरह के बताए, कर्म विकर्म और अकर्म, तो क्या अकर्म निष्काम कर्म ही है या ये अलग है? मतलब इसमें बताया कि इट इज लाइक डिवोशनल एक्टिविटीज जिनका कोई ना पाप पुण्य लगता है ना पाप लगता है, तो क्या ये अकर्म मतलब नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी नॉट कर्म ही नहीं है, तो क्या ये निष्काम कर्म है या अलग है उससे? कोई एग्जाम्पल मुझे थोड़ा बताएंगे? डेफिनेटली निष्काम कर्म योग भी इसके अंतर्गत आ सकता है एक हद तक, बिकॉज इसमें भी पाप और पुण्य नहीं लगता है। निष्काम कर्म योग में भी पाप पुण्य नहीं लगता है, तो जैसे निष्काम कर्म योग भी इसको भी बिगिनिंग स्टेज ऑफ भक्ति के विषय में रूप में वर्णन किया जाता है। वो तो लेकिन कर्म होता है ना, निष्काम कर्म योग इज डूइंग समथिंग, मतलब हम कर्म कर रहे हैं उसका फल की इच्छा नहीं रख रहे हैं और उसको फल हम भगवान को ही सेंटर में रख के वो कर्म कर रहे हैं। इसमें हमने बोला कि जो कर्म ही नहीं है, ऐसी कौन सी डिवोशनल एक्टिविटीज होती हैं जो कर्म नहीं है में आएंगी? अच्छा डिवोशनल एक्टिविटीज मतलब भगवान के लिए ही जो कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म नहीं है कैसे हो जाएगा? जैसे कर्म नहीं है कैसे होता है कि बिकॉज उसका कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन के दृष्टिकोण में कहा जा रहा है इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता, इसके कर्म ही नहीं होने के बराबर, इट इज एज गुड एज नॉट हैपनिंग बिकॉज उसका रिएक्शन नहीं, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं। ठीक है धन्यवाद, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। जैसे कि प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम अपने साथ साथ बाकी के जो भी डिवोटीज जो भी श्रोतागण उपस्थित है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा परोपकार करते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्नों से अनजाने में ही उनके प्रश्नों का समाधान होता है। तो जैसे प्रभु जी ने कहा था लास्ट प्रश्न होगा आज के सत्र का, विवेक सोनी प्रभु जी, स्वाति माता जी और बाकी डिवोटीज जिन्होंने हैंड रेज किया है, प्लीज अगले सत्र के लिए अपने क्वेश्चनों को पार्क करके रखें। अगले सत्र में हम जरूर आपके प्रश्नों का प्रभु जी से समाधान उनका उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। आइए हम सभी प्रभु जी का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आज के इतने इन्फॉर्मेटिव ज्ञानवर्धक सत्र के लिए, इतनी कठिन समस्याओं में इतना मेहनत करके हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, अपना समय हमारे साथ बिताने के लिए। आइए हम सभी एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।
आज के सेशन में प्रभु जी से हमने कुछ बहुत की एस्पेक्ट्स को समझा। वैसे तो जितने भी सेशन होते हैं प्रभु जी के वो सभी बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बट आज का सेशन एक कुछ खास था क्योंकि प्रभु जी ने हमें बताया कि हमें ग्रंथों को जैसे भगवद गीता श्रीमद् भागवतम किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, उनका अध्ययन क्यों करना चाहिए, उनमें जो ज्ञान और उसमें जो नॉलेज है उसको किस तरह से हमें लेना चाहिए। प्रभु जी ने हमें ये भी बताया कि भक्ति में हम प्रोग्रेस कैसे करें, भक्त क्या होता है, हमें आसक्ति दैट इज अटैचमेंट उससे कैसे दूर रहना है, एंड जो क्रक्स हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं दैट प्रोपेंसिटी ऑफ आर डिविएशन फ्रॉम जपा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिवोशन। मतलब कि हम जो जपा कर रहे हैं उसमें से जो हमारा मन भ्रमित होता है वो हमारी भक्ति में प्रोग्रेस, जो जपा जिसका एक सबसे आसान और सबसे सहज तरीका है उसमें प्रोग्रेस प्रोपोर्शनल होती है, जितना हम डिविएट होंगे उससे ही पता चलेगा कि हमारी भक्ति कितनी किस लेवल पे है। सो उम्मीद करते हैं कि आपके सत्र से आप सभी भक्तों ने बहुत कुछ सीखा होगा और जो भी संदेश है उसको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, और इन कामनाओं के साथ आप सभी का आज के सत्र में जुड़ने के लिए अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी उपस्थित भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति उन्नति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं, साथ ही साथ अनंत कोटि वैष्णव वंद्र के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वांछा कल्प तरुर्वश्चा कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।